Assalamualaikum everyone, कैसे आप सब लोग? I hope you're doing is well. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my and other vlog. Guys, आज हम लोग आए हुए हैं फन दुनिया, थोड़ा सा फन करने के लिए. तो चलिए हम चलते हैं जरा फन दुनिया के अंदर. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टिकट लेनी होगी. तो चलें चलते हैं टिकट लेने. टिकट आपको पता है बहुत ज़्यादा टिकट है 10 रुपये. 10 रुपये हम पे करेंगे, फिर हम जाएंगे इसके अंदर और फिर हमारी होगी एंट्री. चले गाइस, बहुत हंस लिया, बहुत मुस्कुरा लिया. चले अब चलते हैं हम अंदर फन करने के लिए और थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पहले ही माशाल्लाह से काफ़ी लोग आ चुके हैं, काफ़ी लोग एंजॉय करने आए हुए हैं. तो चले हम भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं. चले गाइस, हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं. अभी हम जरा थोड़ा सा विजिट कर लें, थोड़ा सा देख लें यहाँ पर कौन कौन से झूले मौजूद हैं, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं. तो फिर उसके बाद उसकी टिकट लेते हैं. टिकट लेने के बाद हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और हम लेंगे प्यारे प्यारे झूले. तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी वाले झूले हैं, पानी वाली डुबियाँ हैं. यहाँ पे हम लेंगे कश्तियाँ और इंजॉय करेंगे. खैर आज मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मुझे इतना बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छा अच्छा बोलूँ. और आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया. तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया. तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और आप मेरी हर वीडियो से इंजॉय करते रहें और इंटरटेनमेंट करते रहें. बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए. तो चलें अभी बच्चों को देख लिया, बच्चे सारे झूले ले रहे हैं, लेकिन ये बच्चों वाले झूले हैं, हम ये वाले झूले नहीं ले सकते. तो चले चलते हैं, यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी सारे बच्चों वाले झूले हैं, यहाँ पे सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, हमारा तो कोई झूला नहीं है यहाँ पे. तो चले अब हम अपने लिए कोई झूला तलाश करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और टिकट खरीदने के लिए चलते हैं. तो चले लेट्स सी स्टार्ट, देखते हैं कि हमारी किस्मत में कौन सा झूला आने वाला है. खैर काफ़ी देर टाइम वेस्ट करने के बाद और काफ़ी देर आपस में डिस्कशन करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम लोग सब बैठेंगे उस झूले में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो, सबसे ज़्यादा जो है डरावना झूला हो और जिसकी टिकट सबसे महंगी हो, हम उस झूले पे बैठेंगे. और आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ, यहाँ पे सबसे महंगा झूला वो है जिसकी टिकट सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये है. तो लेकिन 70 रुपये भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे इंजॉय करने. तो चलें भाई, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद हम चलते हैं अपनी मंजिल मकसूद की तरफ. ये बच्चे अपने झूले लेकर कम्प्लीट कर चुके हैं, तो हम जा रहे हैं अपने झूले लेने के लिए. तो फाइनली यार मुझे 120 रुपये की टिकट मिल चुकी है, मैंने सबके लिए 120 रुपये वाली टिकट जमा कर ली है. तो चले भाई, ये अंकल कौन आ गया, अंकल आके मुझे कह रहे हैं खबरदार अगर तुमने झूला लिया तो. फिर मैं गई, मैंने कहा 140 वाली टिकट ले आती हूँ, 120 वाली तो मैं असर नहीं हुई. 140 वाली टिकट हम लेकर आ चुके हैं. 140 वाली टिकट लेने के बाद झूला लिया, झूले लेने के बाद हम बाहर आए. यहाँ पे महर्षि फ्रूट चाट लगी हुई है, हमने कहा चलो भाई इनके फ्रूट चाट खाते हैं. लेकिन यहाँ पर इतनी मक्खियाँ बैठ रही थी, इतने मच्छर थे, हमें खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहा. हमने कहा हमने नहीं खानी ये महर्षि गोलगप्पे या महर्षि फ्रूट चाट, तो चले हम चलते हैं किसी और जाने पर, हम वहाँ से जाके कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएंगे. तो चले गाइस चलते हैं हम लोग ज़रा रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए. तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कौन से रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं और कौन से रेस्टोरेंट पर जाने के बाद हम वहाँ का खाना खाएँगे. तो यहाँ पर तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा खाने पीने के लिए, तो हम निकल चुके हैं मैकडॉनल्ड के लिए. तो गाइस हम लोग मैकडॉनल्ड आ चुके हैं. मैकडॉनल्ड जब गए तो मैकडॉनल्ड में हमें ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे वज़ीर आज़म का जो है वो जलसा हो रहा है, पूरी खलकत कायनात यहाँ पे मैकडॉनल्ड में जमा हुई है. वहाँ बैठने के बाद हम लोग पहुँचे जब वहाँ खाने वाले रेस्टोरेंट पे, हम लोगों ने वहाँ बैठ के देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, एक पोर्शन बिल्कुल खाली था. हम लोग बैठे, हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर दिया. हमने कहा कि ऑर्डर देने से पहले थोड़ी सी वीडियो शीडियो बना ली जाए. जब हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो शीडियो बनाई, तो वीडियो शीडियो बनाने के बाद उन्होंने हमें कहा बाजी वीडियो के पैसे नहीं मिलने, खाना ऑर्डर करें. फिर हमने देखा तो यहाँ पे जो है वो अलग सी चीज़ें जो हमें ये मिक्स मिल रही थी, पता नहीं ये कौन कौन सी बलाएं थी. हमने कहा चलो भाई थोड़ी सी वीडियो का क्लिप बना लेते हैं,
खानी ना खानी हो आपकी मर्जी, लेकिन बंदा एक क्लिप ही बना ले। हमने क्या किया, इसका एक क्लिप बनाया, क्लिप बनाने के बाद हमने इसको एडिट किया, एडिट करके अंदर लगा दिया। फिर हम लोगों ने देखा तो हम लोग खाना खाने के लिए हम लोग पिज़्ज़ा और हम लोग पास्ता और बहुत सा कुछ जो था वो हम लोग मंगवा के बैठे थे। लेकिन ये देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों ने कुछ भी नहीं मंगवाया, क्योंकि ये सब कुछ तो हम लोग खाने वाले थे नहीं, सिर्फ मैंने तो पिज़्ज़ा खाया। खैर गाइस, काफ़ी ज़्यादा खाने खाने के बाद हम लोगों ने देखा पेट हमारा काफ़ी फुल हो चुका था, लेकिन खाने और सब कुछ करने के बाद बिल आया तो हमारा हंसा फट गया, क्योंकि यहाँ पे 10,000 रुपया बिल बन चुका था। इतने लोगों ने खाना खाया, बर्गर खाए, पिज़्ज़े खाए, शावरमा खाए। इतने ज़्यादा खाने पीने के बाद हम लोगों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, अब समझ रहा है कि बिल हम कैसे पे करें। खैर जो भी था, हम लोगों ने बिल पे किया। बिल पे करने के बाद हम लोग यहाँ से निकले। आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मेरे प्यारों आप सबको अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखें, कीप सपोर्ट करें, कीप वॉच करें, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।